प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थितं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनी च सप्तमं कालरात्रेति महागौरीति च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। अगर आप नवदुर्गा की मूर्ति को अच्छी तरह से ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक कहानी बता रही है। किसी भी महिला के लिए जो उसका पहला रिश्ता होता है वो एक पुत्र के रूप में होता है। इसलिए नवरात्रि में माँ दुर्गा की सबसे पहले जिस रूप की पूजा होती है वो है शैलपुत्री। माता शैलपुत्री हिमवान और मैनावती की पुत्री है। फिर वो ब्रह्मचारिणी बनती है जो शिक्षा का समय है और जहाँ पे हम शिक्षा और दीक्षा लेते हैं, जिस आयु में हम कुछ सीखते हैं आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए माँ के इस रूप में माँ ने कोई भी अस्त्र शस्त्र धारण नहीं किया और ना ही वो किसी शेर पे बैठे हुए हैं। फिर उनका विवाह का योग आता है और विवाह होने के बाद उनका नाम पड़ता है चंद्रघंटा। वो वही अर्धचंद्र धारण करती है जो महादेव के जटाओं में होते हैं। अब माता चंद्रघंटा माँ बनने के लिए सज्ज है और तब वो बनती है कुष्मांडा। माता का ये नाम तीन शब्दों से बना है, कु मतलब छोटा, ऊष्म अर्थात ऊर्जा एवं अंडा जो एक संतान को जन्म देने के लिए सज्ज है। और संतान जन्म के बाद वो बनती है स्कंद माता। यह कार्तिकेय का एक और नाम है स्कंद, इसलिए उनकी माता माता भगवती को स्कंद माता के रूप में भी पूजते हैं। और यहाँ से उनकी देवत्वी की यात्रा शुरू होती है। एक औरत अगर संतान को जन्म दे सकती है तो वही औरत समय आने पर दुष्टों का दमन भी कर सकती है। उनके दूसरे रूप में उन्हें कात्यायनी बोला जाता है जिन्होंने महिषासुर का वध किया था। और अगर वो अपने उग्र रूप में आ जाती है तो वो बनती है माता कालरात्रि जो किसी व्यक्ति के जीवन से नकारात्मकता को दूर करती है। और जब कोई अपने जीवन की हर एक विपदा को दूर करती है और दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनती है तब वो बनती है महागौरी। और जब वो पूरे समाज को अपनी ऊर्जा से सशक्त बनाती है तब वो आखिर में बनती है माँ सिद्धिदात्री, जिन्हें सिद्धियों की देवी भी कहा जाता है।